भाई आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी फनी लगे ना तो सब्सक्राइब करके जाना यार। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है, अंबुजा सीमेंट। IIT AEEE सारे एग्जाम दे मैंने। AIEEE मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि नहीं थे, या मैंने इंटरनेट कैफे पर रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। मेरी इतनी बड़ी रैंक है। घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसके। यार मेरी रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार। ये कोई बात है करने की? इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह? बहुत ज्यादा। सुबह से जितने बच्चे आए आपके मिला के आइए, पता आपको? फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, मुझे कोर्स मिल गया केमिस्ट्री ऑनर्स। वो लगी जहर है। हाँ उस टाइम में ठीक से पैक नहीं बना पाता था, तो मैं सॉल्यूशन तो क्या ही मिला लेता आपस में। मैं जो भी चीज मिलाता था उसमें से धुआं निकल जाता। मैंने सूंघ के देखा, नशे भी नहीं हो रहे, मैंने घटा। ये नहीं चाहिए लाइफ में। लॉ स्कूल पढ़िया था 5 साल का, इतना बढ़िया हॉलीडे पैकेज था। हम हॉस्टल पहुंचे थे ना, कितने लोग हॉस्टल में रहे कभी? बॉयज हॉस्टल में कितने लोग रहे? ठीक है, जो लोग नहीं रहे हैं तुम्हें रहना चाहिए एक बार, तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता है। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। हॉस्टल गए, हॉस्टल में रहना शुरू किया। हमारे हॉस्टल में एक बात फैली हुई थी कि इस हॉस्टल में एक अंकल जॉन नाम का भूत रहता जो प्यासा है। किस चीज का ये नहीं बताऊं। हम सेकंड ईयर जो है वो हमारी रैंकिंग लेता था, उनका एक ग्रुप था त्यागियों का, मतलब एक लड़का था त्यागी जिसका वो ग्रुप था। यार एक तो सीनियर हमारी रैंकिंग ले रहे थे, रैंकिंग नहीं ले पा रहे थे। हाँ मेरे रूम में आके त्यागी आया, ओल्ड मॉम का अद्धा रखा, कहता इसको एक बार में खत्म करना। ये रैगिंग है, इसको पार्टी नहीं कहते? मैं कहा तुम रोज आया करो मुझे रैगिंग लेने। फिर हमारे थोड़े दिन में ऐसा होता रहा कि क्लैश हो रहा है आपस में, तो हमें लगा कि यार हमें भी अपना हॉस्टल में नाम करना है। अब्दुल आया, अब्दुल याद है ना मीटिंग? उसके अलग ही फैन चल रहे हैं। वो आया एक दिन मेरे रूम में आके मुझसे बोला कि बस सुन हमें ना हॉस्टल में नाम करना अपना। मैंने कहा ठीक है करते हैं, थोड़ी देर रुकते कुछ प्लान है? कह रहा कोई प्लान नहीं अभी करना, चलो ठीक चलो। रात को 1:30 बजे हम निकले नाम करने, पूरे हॉस्टल का एक चक्कर लगा, समझ नहीं आया वापस आ गया। हमने क्या करे, दीवारों पर नाम लिखते, करना क्या है? फिर हमें लगा कि यार पानी पी लेते हम, वाटर कूलर का। मैंने कहा अगर हमें अभी ऊपर वाले फ्लोर पर जाएं और जाके उनके वाटर कूलर से पानी पी लें तो कितना नाम हो जाएगा। कि दो लड़कों की हिम्मत देखो, रात को ऊपर आए और सारा पानी पी गए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, हमें तो हाथ मिलाए गले मिलाए दूसरे से। क्या भाई कहां पर है तू? अरे मैं वो मंदिर आया हुआ हूँ, तू कहाँ पर है? जिस पार्क को तू मंदिर बता रहा है ना, मैं भी उसी मंदिर में बैठा हूँ। तेरी और तेरे साथ में जो देवी बैठी है, तुम दोनों की मैंने फोटो ले ली है, पापा तक पहुँच जाएगी। बाय बाय। इतना ऊंचा था वो, बहुत भारी। अब्दुल के तो प्राणी निकल गए उठाने में, मैंने तो एक हाथ से उठा लिया। आई एम स्ट्रांग। बहुत भारी था मुझसे। हम उठा के थोड़ी दूर चले तो हमने देखा उसका तार लगा हुआ है वहां पे बिजली का। हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये बिजली से चलता है? मैं वापस रखा, हमने उसका तार निकाला, उसको उठा के थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर जाके हम थक गए। हमने अब क्या करें इसका, अब तो नहीं मन कर रहा। पर अब किसी को बताएंगे कैसे कि हाँ कैसे आए? हमने लेकिन हमने थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, थोड़ी दूर और लेके चल रहे, नीचे तक लाने की हिम्मत थी, थोड़ी देर बाद हम थक गए। हमने कहा सुनो वैसा है, साइड में दिख रही है रेलिंग,
मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अगर हम इसे डायरेक्ट भेज दें तब तो बहुत ही नाम हो जाएगा, सीधा सेकंड ईयर में आ जाएंगे हम सुबह। हमने वो रेलिंग पे रखा, पलट दिया, उसका जो तार था वो रेलिंग में लच गया, अब वाटर कूलर झूल रहा है वहां पर। तुमने कहा कैसा फुदूनाम हुआ हमारा, तुम कोई चीज फेंक भी नहीं पाए। मैंने अब तुमसे कहा क्या करना है, कह रहा भाई इसको खींच लेते हैं, उठा दो तू पाया नहीं था। उसका जो थ्री पिन प्लग है उसकी रेलिंग में लटका हुआ है। भाई अब तो निकलेगा तो है नहीं, कुछ करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं। कहता रुक मैं मेस से चाकू लेके आता हूँ। मैं कर लिया मेस में से इतना बड़ा चाकू लेके, मैं कह सब छोड़ पहले मेस वाले के पास चल, मुझे उससे पूछना इससे काटता क्या है वो, ये चिकन के नाम पे ऊंट खिला रहा क्या मैं। उससे रखा उसका प्लग काट रहे हम दोनों, वो कटा, जैसे ही वो प्लग कटा वाटर कूलर नीचे, ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया, प्लग वहीं पड़ा। हमने जब तक वो देखा तब तक तो पहुंच चुका था नीचे। तो मैंने एक साल केमिस्ट्री पढ़ी थी जब मैं ड्यू में था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था फ्रिज में कोई गैस होती है। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ पूरा हॉस्टल जाग गया हमारा, सामने वाली बिल्डिंग से वार्डन उठ गया। हमने कहा बहन इतना नाम भी नहीं करना था हमें। सारे लड़के वहां चिल्लाना शुरू कर दिए, उसकी ब्लास्ट सुनते ही कॉरिडोर से आवाज आ रही है, एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब, एक से आवाज आ रही है बचाओ बचाओ। वहां वार्डन आ गया, सब लोग इकट्ठे हो गए, हम ऊपर से बैठ के देख रहे हैं रेलिंग, रेलिंग में से ग्रिल जगह होती है उसमें से बैठ के। वार्डन हमारा पता कैसा था, तुम रात को 2 बजे बुला लो, मतलब बुला लो क्या, खुद ही आ जाता था वो, हम तो कभी नहीं बुलाते तुम्हारे। 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो वो एकदम तैयार हो जाता था, व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट व्हाइट जूते। उसे देख के हमने कई बार पूछा तू ही तो नहीं अंकल जान, रात को तैयार कर, तैयार होकर सोता क्या तू, बेड पे पता क्या चलता कि बेडशीट है कि तू है। वो आया आके खड़ा हो गया, उसने देखा वाटर कूलर को देखा, अब तो उसकी लाइफ के इतिहास में पहली बार हुआ था कि ऊपर से कोई नॉन लिविंग चीज आगे गिरी हो। फर्स्ट ईयर के लड़के थे हमारे बैच के थे, उन्हें भी पता नहीं क्या माल मिला हुआ था। इतना एक लड़का निकल के आया कॉरिडोर से, यहाँ वाटर कूलर पड़ा, यहाँ वार्डन खड़ा, यहाँ से आया इसके बगल में से निकला, से बोलता जा रहा कोई बात नहीं। वार्डन कह रहा इसका रूम चेक करना जरा क्या कर रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे लड़का। लड़के कुछ भी बच्चे नहीं कर रहे हैं, एक कह रहा सर मैंने देखा खुद गिरा ये। कह रहा सर ये रेलिंग तक आया, फिर इसने देखा नीचे कोई है तो नहीं, फिर ये कूद गया सर। परेशान होगा सर आप जाओ सो जाओ। बीबी शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, मेरे लिए क्या बनवाओगे, टॉयलेट।